जो हूबहू माँ की तरह दिखता है, मतलब कपड़े भी माँ वाली पहने हैं, साड़ी भी माँ वाली पहनी है और काफी माँ जैसा दिखता भी है। शिवरात्रि की कुछ पुरानी फोटो देखने के लिए, और जैसे हम एल्बम देख रहे थे कि तभी उतने में कोई आया और वो एल्बम छीन कर ले गया। हमने उसका पीछा भी किया और पीछा करते करते एक घर तक पहुंच गए जहां वो इंसान तो ना मिला पर बटे उस इंसान के बदले में वंदना मामा का पुतला। नहीं थी क्योंकि माँ की हत्या की गई थी और युवान के सामने की गई थी और वो युवान ट्रॉमा में रह गया। क्या करती हो? क्यों अल्पना जी, वो मोक के पुतले वाला घर, वो मैडम तुसाद ना, वो हमने लंदन में लिया। हाँ बिल्कुल, और ये बात मुझ पर भी लागू है। मैं कोई मर्डरर थोड़ी ना हूँ, वो भी अपनी भाभी का। सबसे पहले तो आज एक पुतली को लेकर घर में बहुत बड़ा की घमासान हो गया है जी। कुछ नए ट्विस्ट एंड टर्न्स से देखने को मिलते हैं। कभी कबीर ने अपना कहर मचाया है तो कभी यहाँ पे पुतला कहर मचा हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, तो कबीर का अस्तित्व जिस इंसान की वजह से है, उस इंसान की मौत की वजह से, उस इंसान की जो मौत है वो थी मेरी मदर की डेथ, जो हत्या की गई थी, और हम उसी के हत्यारे तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे जहाँ से हमें घर पे पहुँचते हैं बन्नी और मैं। उस घर पे उस इंसान को तो हम नहीं मिल पाते जो इस सबके पीछे है, पर ये पुतला मिलता है, और ये पुतला है जो हूबहू माँ की तरह दिखता है, मतलब कपड़े भी माँ वाली पहने हैं, साड़ी भी माँ वाली पहनी है और काफ़ी माँ जैसा दिखता भी है। तो अब उस पुतले को हमने घर पे लाया और ये जानना चाह रहे हैं कि कौन है जिसने इस पुतले, मतलब पुतला रखना माँ का कोई छोटी बात नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ उस चीज़ से हम पहुँच सकते हैं उस इंसान तक जिसने मारा था माँ को। तो कहना कि आपके लिए इमोशनल है क्योंकि यहाँ पे माँ का पुतला है, आप उनके पीछे कई सारी हिस्ट्रीज जुड़ी हुई है, अगर जिस तरीके से जो दर्शकों को भी आने वाले दिनों में उस पर क्या कहेंगे। तो शो की, जैसे शो की शुरुआत ये हुई थी कि एक युवान एक लड़का है जो मानसिक रूप से स्टेबल नहीं है, मतलब वो उम्र में बड़ा है पर दिमाग से छोटा ही है, और बन्नी एक लड़की है जो होम डिलीवरी करती है, और कैसे ये मिलते हैं। तो युवान के जो उस बच्चा रहने का जो कारण है वो था माँ का ना होना। माँ क्यों नहीं थी? क्योंकि माँ की हत्या की गई थी और युवान के सामने की गई थी, और वो युवान ट्रॉमा में रह गया। ये तो हमें बाद में पता चलता है कि युवान को दवाइयाँ दी जा रही थी। अब दवाइयाँ कौन देगा? वही इंसान जिसने माँ को मारा है और जो जानता है कि युवान ने देखा है, पर वो चाह रहा है कि युवान बताने की स्थिति में ना रहे। और अब युवान ठीक हुआ ही था कि स्प्लिट पर्सनैलिटी आ गई, कबीर आ गया, और कबीर भी उसी वजह से क्योंकि माँ को मारा गया था और उससे काफ़ी सारे ट्रॉमा जुड़े थे, और जब माँ को मारा गया था तो बंटी भी थी साथ में। तो अब सब कुछ सब मिला के एक पॉइंट पे आके रुक गया है, और उस पॉइंट के ऊपर इतने सारे परतें हैं, वो परत हटाने की कोशिश की जा रही है और उस पॉइंट तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। कब तक पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, एपिसोड में पता चल पाएगा। युवान जब तक रह पाएगा तब तो डील भी कर पाएगा। युवान तो कितने समय युवान रह नहीं पाता है, मतलब वो कबीर बन जाता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी आ जाती है, कभी कोई दवाई दे देता है, मतलब, और ये सब कुछ सिर्फ हैंडल करने की कोशिश कर पाती है बन्नी। और मतलब जैसे रेत है, हाथ में रेत है, जितनी मुट्ठी को हम लोग सोच रहे हैं कि दबा लें, जितना हाथ में आ जाए उतनी छूटती जा रही है रेत, फिर भर रहे हैं, फिर दबा रहे हैं, फिर छूट रही है। तो अब रेत को संभालने के लिए कोई और तरीका ईजाद करना होगा।